हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल शो के लिए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लैपटॉप की बैटरी रिपेयर करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप की बैटरी, हम कोई से भी लैपटॉप की बैटरी रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको खोल के आसानी से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल सस्ते में, और कोई सी भी बैटरी रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप की बैटरी है हमारे पास। ये अलग अलग प्रकार की आती है, भिन्न भिन्न प्रकार के लैपटॉपों में भिन्न भिन्न प्रकार की बैटरियाँ लगती है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इन बैटरियों को किस प्रकार से रिपेयर करें, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ये बैटरी हम ले लेते हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइनिंग सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये इनके बीच में एक दरार सी है, खाली जगह है। तो यहीं से हम पेचकस की मदद से, एक छोटा पेचकस है अलाइनर, तो इसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से इसको खोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लॉक लगा होता है, उस लॉक को यहाँ पे इस छोटे से पेचकस की मदद से खोल सकते हैं इस प्रकार से। तो हमने ये देखिए यहाँ से खोल लिया है, और यहाँ पे जो पीछे की तरफ है ये लॉक के साथ साथ यहाँ पे चिपका हुआ भी हो रहता है। तो इसमें हो सकता है ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम इसको चिपका के और वापस से लगा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये हल्का सा ब्रेक भी हुआ है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे चिपका हुआ है और लॉक भी लगा रहता है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा नहीं टूटा, लॉक हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब हम चेक करते हैं ये किस प्रकार से, इसमें क्या करना रहता है। ये इसका बॉक्स था ऊपर का। तो यहाँ पे देखिए ये 6 बैटरियाँ है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक पीसीबी है, ये इसके साथ अटैच है ये सर्किट इन बैटरियों के साथ में। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती पीसीबी, सिर्फ ये जो बैटरियाँ है इनमें प्रॉब्लम होती है। इसी की वजह से जो हमारा लैपटॉप है उसकी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। तो चलिए हम इनको निकाल लेते हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से चेक करना होता है कि ये बैटरी डेड है या ऑन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे कर देता हूँ, डीसी के 20 वोल्ट पे। और ये देखिए दो दो के जोड़े बने हुए हैं यहाँ पे, तो मैं इन दो जोड़ों पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3.4 के लगभग आ रहा है, और ये देखिए ये बीच में 1.1 कुछ आ रहा है, और यहाँ पे वही 3.4 के लगभग आ रहा है। देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं हम, 1.2 के लगभग आ ही रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच के अंदर जो दो बैटरियाँ है इनमें प्रॉब्लम है दोस्तों, तो हमें इनमें ही चेक करना है कि ये बैटरियाँ ख़राब है, ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रही। जब भी हम लैपटॉप को चार्ज करते हैं तो ये बैटरियाँ चार्ज नहीं होती, इसकी वजह से जो हमारी पूरी बैटरी है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है चार्जिंग की। तो चलिए एक बार हम इसको हटा लेते हैं यहाँ बीच में से, और इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक सुझाव और दूंगा कि आपकी लैपटॉप की बैटरी जब भी डेड हो या चार्ज होना बंद हो जाए तो प्लीज़ आप उसे फेंकिए नहीं, क्योंकि ये आसानी से रिपेयर हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे ये बैटरी पे ये सोल्ड नहीं है, लेकिन ऐसे जैसे पंच रहती है उस हिसाब से ये पत्ती इसके ऊपर पंच है, बिल्कुल चिपकी हुई, ठीक है। तो हम इसको एक पेचकस और प्लायर की मदद से आराम से खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये दोनों बैटरियाँ हटा ली है। अब हम यहाँ पे दूसरी बैटरी रिप्लेस करेंगे, यानी ये जो लिथियम सेल है ये मैंने कहाँ से परचेज़ की है, मैंने कंप्यूटर मार्केट शॉप से लैपटॉप की बैटरी परचेज़ की थी, वो भी 60 रुपये के अंदर। तो उसी बैटरी के अंदर से ये सेल बिल्कुल ओके निकले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 वोल्ट के लगभग है। वैसे ये 3.7 वोल्ट की आती है दोस्तों, क्योंकि ये फुल चार्ज है। तो आप भी ऐसे परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो इन बैटरी को और दूसरे तरीके से हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक 12 वोल्ट का बल्ब लिया है, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा के चेक करेंगे कि ये ओके है या नहीं है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे ये मत बोलना यार कि ये 12 वोल्ट का जो बल्ब है उससे ये 3.7 वोल्ट की बैटरी क्यों इसको जला रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ यार, जला सकती है, इसके अंदर अच्छे खासे एम्पियर है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का बल्ब है, तो ये थोड़ा सा हल्का जल जाएगा, लेकिन जलेगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने इसको चेक कर लिया है। अब ये जो डेड बैटरी है इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जला, यानी डेड है ये बैटरी।
ये दूसरी बैटरी भी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ यहाँ पे, तो इसको भी हम लगा के चेक करते हैं यहाँ पे। ये भी, ये देखिए, ये भी डेड ही शो कर रहा है। अब जो बाकी की चार बैटरी है जो नीले कलर में आप देख रहे हो, आसमानी कलर में, ये भी देखिए यहाँ पे ये बल्ब से जल रही है, तो यानी ये बैटरी ओके है। ठीक है, तो हमारी जो दो रेड कलर की और ये बाकी की चार बैटरियाँ बिल्कुल ओके है। तो जो रेड कलर वाली बैटरी हमने ली है, ये मैं इसमें लगाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारी जो बैटरी है उनका प्लस माइनस कैसे है। तो हम मीटर की मदद से यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लस है और ये माइनस है। अगर हम रेड प्रोब को देखिए, ये इस प्रकार से लगाते हैं, ये वाला प्लस है यहाँ पे, ये माइनस है। कैसे पता किया? तो ये देखिए, अगर हम माइनस माइनस पे और प्लस प्लस पे लगाएंगे तो ये पॉजिटिव ही दिखाएगा, और अगर हम उल्टा लगा देंगे तो यहाँ पे ये माइनस दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं प्लस माइनस का। तो चलिए अब इस बैटरी को हम यहाँ पे लगाते हैं। वैसे मेरी राय तो यही है, मैं रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों कि आप एक बार ट्राई करें कंप्यूटर रिपेयर शॉप से। ठीक है, तो आपको इजीली वहाँ पे मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको सोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेती की मदद से यहाँ से इसको रफ कर लेंगे इस प्रकार से, ताकि अच्छे से सोल्ड हो जाए। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से करके और सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा के और यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे इन दोनों बैटरियों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने 3.7 वोल्ट की जो बैटरी ली है, ये दो जो आप रेड कलर की देख रहे हो, अगर ये आपको कंप्यूटर रिपेयर मार्केट से नहीं मिले तो आप ये मार्केट में परचेज भी कर सकते हो। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से मिल जाएगी आसानी से। ये वहाँ पे आपको 60-70 रुपये से लेके, और अगर आप ओरिजिनल बैटरी लोगे तो आपको 150 से 170 रुपये तक भी मिल सकती है। ठीक है, और ये मैंने पूछा था एक बार, तो ये उसने मेरे को 60 रुपये मात्र बताए थे लोकल के। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल परचेज करोगे तो आपको 150 से 170 रुपये तक मिल जाएगी ईजीली। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। और ये जो पत्ती है, पत्तियों के ऊपर भी हम सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस पे पेस्ट लगा देते हैं, ताकि ईजिली यहाँ पे सोल्डरिंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए इन बैटरी को हम यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये लैपटॉप की बैटरी कंप्यूटर रिपेयर शॉप से नहीं मिले, वैसे तो हो नहीं सकता कि आपको डेड रिपेयर बैटरी, ख़राब रिपेयर बैटरी नहीं मिले, तो मैं आपको दूसरी ट्रिक और बता देता हूँ कि आप अपने किसी फ्रेंड के पास पूछिए, अगर उसके पास कोई लैपटॉप की ख़राब बैटरी पड़ी हो और उसके लिए वो बिल्कुल बेकार है, तो आप उससे वो बैटरी मांग के और अपनी बैटरी रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त ये सोचे कि यार खास मैं भी अपनी बैटरी इस प्रकार से रिपेयर कर लेता, क्योंकि दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपकी बैटरी रिपेयर हो जाएगी। सॉरी यार, मजाक कर रहा था। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको वो उनके पास अगर बिल्कुल बेकार पड़ी है बैटरी, तो आप इजीली अपनी बैटरी रिपेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक तरफ से इनको सोल्डरिंग कर दिया है पत्तियों के साथ, और अब ये दूसरी पत्ती है उसके साथ भी हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने सोल्डरिंग कर ली है दोनों तरफ से। तो चलिए हम एक बार और वोल्टेज चेक कर लेते हैं जो बीच वाली बैटरी है इनके। तो हमारी बिल्कुल बैटरी ओके है, ये पूरी बैटरी हमारी ओके है, और अब ये प्रॉपर वोल्टेज देगी लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे इसको एक बार फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं ये स्टेप से चिपका देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी टेप और लगा के इसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको पैक कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाएगी, जैसे कि हमने खोला था, सेम वैसे की वैसे इसको डाल के और सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी बैटरी है बिल्कुल अच्छी तरीके से लॉक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी तरीके से ये फ्रेश टाइप में हो गई है। अब इससे आप आराम से अच्छी तरीके से लैपटॉप चला सकते हैं, और ये चार्ज भी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बैटरी रिपेयर करना आ गया होगा।
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।